फट हो जाओ, पेट भर हो जाए, बस ऐसे रुक जाए। वेरी गुड। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक मिनट रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। So guys, good morning to all and welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and we are having a beautiful morning here in Gurudwara. तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी तो प्लान है सीधा नर्मदा मंदिर का, तो उसके बाद कपिलधारा, फिर उसके बाद सोनमुड़ा, फिर उसके बाद जैन मंदिर। तो देखते रहिए, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ इन छोटी छोटी गलियों में। पहले हम यहाँ आया करते थे, नहाया करते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी में आते थे यहाँ, हम लोग बैठते थे, हमें नाश्ता कराया जाता था हॉस्टल से। और ये पीपल का पेड़ याद है मुझे, यहाँ बैठ के हम दिन भर बकर बकर करते थे। और ये सब दुकान पहले कुछ नहीं था। सो मेन मंदिर अभी ये है, अभी यहाँ जाएंगे। अभी सिद्धार्थ लोग नहा रहे हैं क्योंकि वो लोग बोले कि हम लोग यहाँ नहाएंगे एक बार फिर दर्शन करेंगे। मैं तो नहा लिया रूम में ही, क्योंकि बाल बाल बिगड़ जाता है यार, फिर बनाना मुश्किल हो जाता, इसीलिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन लोग के पास। ये है नर्मदा नदी का मंदिर, यहाँ सब नहाते हैं। पीछे है मंदिर। बनारस के गंगा नदी का कॉन्सेप्ट है कि एक बार नहा लो तो पूरे पाप धुल जाते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी नहा लो तो पाप धुल जाता है। तो मैं तो 3 साल यहाँ नहाया हूँ, तो बहुत पाप धुला होगा, तो इसलिए मैं नहीं नहा रहा हूँ, क्योंकि पाप ही नहीं करते यार। और वेदर बहुत अच्छा है, हर जगह बहुत सही लग रहा है, एकदम फ्रेश एयर और ठंडा। सो फाइनली 2 घंटे नहाए ये लोग, फिर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये है मंदिर, बहुत भाई लोग। अभी यहाँ छोटा सा एक हाथी है, हाथी रहता है, अगर उससे आप निकल जाते हो तो आप आपका पाप धुल जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं बहुत बार निकला हूँ और इन लोग भी शायद निकल जाएं, लेकिन सिद्धार्थ का तो मुझे नहीं लगता वो निकल पाएगा। अभी हम लोग उस हाथी में
पार करने वाले हैं, तो उस हाथी का मैं बात कर रहा था। इस हाथी में अगर आप, हाथी के बीच से अगर आप पार हो गए तो आप पापी नहीं हो, ऐसा बोला जाता है यहाँ। तो मैं पापी नहीं हूँ, मैं निकल के दिखाऊंगा, ठीक है। Very good. मैं तो ऐसी दौड़ो दौड़ो जावे तभी चल जाए। तो पता नहीं अभी भीड़ कम क्यों है, लेकिन अभी सीजन जो चलता है अभी ही चलता है, क्योंकि अभी सावन है। मैं भी सब बोलबम पहले ही कर लिए हूँ, अब सावन ख़त्म होने वाला है 3-4 दिन के बाद, तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन अभी थोड़ी सी भीड़ है वहाँ पर। तो ये है कुंड, यहाँ हम लोग आया करते थे जन्माष्टमी में, आई थिंक जन्माष्टमी में आके हम लोग वो सीढ़ियों में बैठा करते थे, वहाँ बैठा करते थे, यहाँ बैठा करते थे। और मोबाइल कैमरा तो कुछ था नहीं हम लोग के पास जब हॉस्टल में थे, तो तब भी बहुत मस्ती किया करते थे।